इंटेल वर्सेस एएमडी वर्सेस एप्पल का नया M1 चिप, आखिर इन तीनों में से बेस्ट कौन सा? क्योंकि मार्केट में अब आपको तीन अलग अलग टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस वीडियो में पता लगाते हैं, लेकिन एक राज की बात बता दूं आपको, तीनों ही काफी अच्छे और अपनी अपनी जगह तीनों ही बेस्ट हैं। जी हाँ, मतलब ये डिफिकल्ट हो जाता है कि तीनों में से किसे चुनना है। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बिना किसी देरी के एप्पल के M1 के बारे में बात करते हैं। अब M1 चिप जो है ये एप्पल ने खुद ने बनाई और ये ARM के आर्किटेक्चर पे बनी। अब इसके अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस आपको मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, कम पावर लेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा निकालेगा, हीट कम लेगा लेकिन ज़्यादा लंबा चलेगा, और बिना फैन के भी जो मैकबुक एयर है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है। इंटरनेट पर इतने सारे रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। अब कमी बता देता हूँ, कमी भी इसमें यही है कि ये ARM के डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, और ट्रेडिशनली जो आपको कंप्यूटर्स देखने को मिलते थे वो x86 पे देखने को मिलते थे। अब प्रॉब्लम इसमें बस यही है कि x86 आर्किटेक्चर जिसपे AMD इंटेल चलते हैं, फिर 64 वाला जो इंटेल और AMD के अंदर आता है ना, उसके लिए जो एप्स बनाई जाती है ना वो उन प्रोसेसर पे अच्छे से तरीके से चलती है। और जब मार्केट में कोई प्रोसेसर काफ़ी लंबे समय से होता है ना, तो उसके लिए जो एप्स का जो कैटलॉग होता है बहुत ज़्यादा होता है। और M1 चिप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो फर्स्ट जेन है, यानी कि कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल दे, रॉ परफॉर्मेंस उसमें बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड की बारी आएगी, जब आप उसके अंदर रियल वर्ल्ड वाले टास्क करेंगे, तब लोगों को माइनर हिकअप्स देखने को मिलेंगे, जो कि शायद इनिशियली लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे इसको एक महीने के ऊपर हो चुका है और लोग अब इसे यूज कर रहे हैं तो पता लग रहा है लोगों को कि हाँ, इसमें अब ये काम कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन चला सकते हैं, iOS की एप्लीकेशन अच्छे से चलेगी, लेकिन जो मैक के अंदर जो हम पुरानी एप्लीकेशन यूज कर रहे थे ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो यार ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो M1 चिप के हिसाब से ऑप्टिमाइज जो एप्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन जो अनऑप्टिमाइज्ड एप्स हैं, जो ट्रेडिशनल मैक OS की एप्स हैं, उसके लिए एप्पल ने रोसेटा 2 नाम का इम्यूलेटर बनाया। और इम्यूलेटर का काम जब इंट्रोड्यूस होता है ना, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में डिग्रेड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी के हिसाब से M1 चिप कैजुअल टास्क के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन कोई भी हाई एंड प्रोफेशनल टास्क आता है ना, उसके लिए लग रहा है कि सेकंड जनरेशन का वेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आ पाएगी कहानी इसकी। लेकिन मेजरली बात की जाए तो M1 चिप के हिसाब से अगर कोई ऑप्टिमाइज्ड एप्स अगर बनाई जा रही है, और सिर्फ अगर आप ऑप्टिमाइज्ड एप्स को ही यूज कर रहे हो, तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी इम्यूलेशन वाली एप्स की, तो मैं यार वहां पर ऐसा कुछ सवाल नहीं उठता, वहां पर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन इसी के साथ ही बाहरी आती है दो हमारे दूसरे प्रोसेसर की, AMD और इंटेल, ये कहां पे स्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं AMD की। अब AMD देखा जाए तो पहले AMD की कहानी इतनी अच्छी नहीं थी, पहले उनकी बुलडोजर सीरीज आती थी, FX सीरीज आती थी, इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, प्राइसिंग कम होता था, लेकिन हीटिंग वगैरह ज्यादा होती थी और प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिलती थी। लेकिन जब से राइजन आया तब से इनकी कहानी बदली, और राइजन का मेन बेनिफिट ये था कि कम प्राइस के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दो और इंटेल से बेटर टेक्नोलॉजी लगा कर दो। जिसकी बात कर रेल रिसेंटली Zen 3 आर्किटेक्चर की 7nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इंटेल आज भी 7nm तक नहीं पहुंच पाया है। और अगर हम बात करें तो 2022 में AMD ने प्लान किया कि Zen सीरीज के अंदर 5nm की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लेंगे, यानी कि 5nm के प्रोसेसर ये लोग मार्केट के अंदर लेंगे। ये काफी एक अच्छी चीज हो जाती है, और AMD के साथ अच्छी बात ये कि आपको काफी कम प्राइस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम बात करें लैपटॉप्स की या फिर बात करें डेस्कटॉप्स की, दोनों में रॉ परफॉर्मेंस होती है ना AMD में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती है, ये काफी बढ़िया चीज है। लेकिन वही बात करें AMD कहां मात खा जाता है, वेल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के मामले में। वेल AMD x86 64 बिट की एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन AMD के साथ प्रॉब्लम ये कि वो अभी मार्केट के अंदर आए, और जब मार्केट में कोई चीज़ नहीं आती है ना, उसके लिए हिसाब से जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता, और इसलिए जो इंटेल यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। और एक और प्रॉब्लम AMD के साथ ये है कि AMD पहले क्या करती थी, यानी कि एक साल पहले तक AMD के प्रोसेसर सस्ते देखने को मिलते थे, इस साल ये कहानी नहीं है। जब से 5000 सीरीज निकाली है, इनके प्रोसेसर के रेट इंक्रीज हो गए हैं, और तो ये भी बोला जा रहा है कि 5000 सीरीज में जब लैपटॉप के प्रोसेसर इंट्रोड्यूस की जाएंगे, उनमें भी आपको एक प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये कि AMD में एक साल पहले तक जितनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती थी, अब उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, प्रोसेसर के रेट बहुत ही ज्यादा तेज इंक्रीज हो चुके हैं। और यहां पर मैं जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो रही है ना प्रोसेसर की, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं, उसके चक्कर में प्रोसेसर के रेट तो ओवर प्राइस्ड ही हो रखे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि AMD से आज के समय में कुछ केसेस में तो बेटर इंटेल लेना हो गया, यानी कि AMD का Ryzen 5 ले 5000 सीरीज का, और अगर हम कोर i7 देखें 10 जनरेशन का, दोनों की कीमत ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है। तो काफी लोग है ना फिर सीधे इंटेल के ऊपर दोबारा से भी मूव करने लगे हैं, क्योंकि यहां पर देखा तो AMD के पास जो एडवांटेज था ना कि कम प्राइस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, अब लग रहा है कि धीरे धीरे उनसे जो एडवांटेज जाता जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि लैपटॉप साइड में भी सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। लेकिन वही बात करें रॉ परफॉर्मेंस में, यहाँ पे तो AMD आज भी किंग बना हुआ है, और जो हाई एंड सर्वर लेवल पे जो परफॉर्मेंस होती है थ्रेड रिपर्स वगैरह में, वहाँ पे AMD की जो परफॉर्मेंस होती है स्पेशली जहाँ पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात आती है, वहाँ पे AMD आगे निकल जाता है। लेकिन बात करें वहीं पे इंटेल के बारे में, यार इंटेल के बारे में ये कि इंटेल काफ़ी लंबे समय से इंटेल की मोनोपोली थी, फिर AMD और इंटेल को झटका लगा और इंटेल जो है उसका मार्केट शेयर आज भी ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इंटेल के पास अभी के समय में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो यहाँ पे ये है कि इंटेल के हिसाब से जो एप्लीकेशन है वो आज भी ऑप्टिमाइज है, यानी कि अगर आप पुराना पूरा कैटलॉग उठाकर देख लो हमेशा इंटेल ही डोमिनेटेड था, और जब कोई प्रोसेसर वाली कंपनी कोई भी प्रोसेसर बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रहता है ना, तो हर सॉफ्टवेयर मेकर या हर गेम डेवलपर जो रहता है ना वो उस प्रोसेसर के हिसाब से गेम्स को ऑप्टिमाइज करता है। इसलिए इंटेल के प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगर आप कोई भी पुराने टास्क लाओगे, और इवन नए प्रोग्राम नए सॉफ्टवेयर भी रन करोगे ना तो वो इंटेल के में भी अच्छे से चलेंगे और AMD में भी अच्छे से चलेंगे। AMD को कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि AMD देखा तो अभी अभी मार्केट में हुआ, और धीरे धीरे AMD ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट करे कि किस तरीके से वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि AMD भी यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन इंटेल के पास जो इतना पुराना एडवांटेज है कि हम पुराने हैं मार्केट में, और जब AMD के बिल्कुल बेकार प्रोसेसर मिलते थे तब इंटेल बिकता था, और इसी के दम पे देखा तो आज भी इंटेल के हिसाब से काफ़ी सारी एप्स ऑप्टिमाइज्ड हैं। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, अडोबी की जो एप्लीकेशन होती है ना वो कोई भी नया प्रोसेसर आता है ना तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन में साल दो साल का वेट लगा, यानी कि आज के जमाने का जो अडोबी प्रीमियर होगा ना वो एक दो साल पहले के जो AMD के प्रोसेसर आए होंगे यहाँ तक कि पिछले साल के आए होंगे ना उनके हिसाब से आज आपको उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं बात करें इंटेल में, तो इंटेल में आपको कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये इंटेल के साथ एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है कि कोई भी कंपनी अगर इतने लंबे समय से पास्ट में अगर प्रोसेसर बना रही है तो उसको यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिलता है, और उसके लिए आपको एडवांस प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कमी क्या इंटेल में पता है, वो ये कि इंटेल के अंदर आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो देखने को नहीं मिल रही। आज भी डेस्कटॉप के अंदर 7nm की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है, 5nm बहुत ही दूर दूर तक की बात है, और अब आने वाले समय में 11 जनरेशन के भी प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी वो किस तरीके से AMD से कम्पीट कर पाते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें रॉ परफॉर्मेंस के मामले में AMD आज भी आगे निकल जाता है, इंटेल सिर्फ इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और M1 चिप का अपना एडवांटेज यह है कि एप्पल के इकोसिस्टम में हो, और एप्पल की अगर एप्स अगर आप यूज करते हो जो ऑप्टिमाइज्ड M1 चिप के लिए उसके अंदर आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है और तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। किसी को रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए डेफिनेटली AMD उसके लिए, किसी को अगर एक बैलेंस चीज़ चाहिए इसमें आपको ज़्यादा पैसा भी खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि AMD देखा जाए तो क्रेजी एक्सपेंसिव हो गया है आज के समय में, इंटेल उसके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर कोई कैजुअल यूज़र है और उसे macOS यूज़ करना है, कोई प्रोफेशनल काम नहीं करना, तो उसके लिए जो M1 चिप वाले जो लैपटॉप्स हैं मैकबुक हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर इनका फ्यूचर कैसा रहता है। M1 चिप के अंदर अगली जनरेशन भी आएगी, ये प्रोसेसर आपको आने वाले समय में iMac, मैकबुक प्रो, मैक प्रो सब जगह देखने को मिलेगा, वहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा, और तब हम एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि इंटेल और AMD के कंपैरिजन में कैसा है। वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अगर M1 के हिसाब से अगर आपको ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज्ड एप्स देखने को मिली तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर हम बात करें इंटेल की भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से AMD से लड़ती है, और AMD से कम प्राइस में अगर अपने प्रोसेसर ले आती है ना ये काफी जबरदस्त चीज होगी, क्योंकि AMD के पास जो एडवांटेज था ना प्राइस टू परफॉर्मेंस का वो आज के समय में जा चुका है। और AMD की भी देखने वाली बात होगी कि ये कब 5nm की टेक्नोलॉजी लाते हैं और किस तरीके से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। तो देखा तो तीनों ही प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, तीनों में देखा तो कंपैरिजन तो बनता है, लेकिन ये बात डिपेंड करती है बात कि एग्जैक्टली आपको किसकी ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत ही डिसाइड करेगी कि आपके लिए तीनों में से बेस्ट चीज़ कौन सी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में देखा तो आज के समय तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं। तो यार ये फाइनल कन्फ्यूजन हो जाता है इन प्रोसेसर के बारे में, इंटेल, AMD और
एप्पल। बाकी आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।